हेलो गाइस, तो यार फाइनली जो है सीओटी की तरफ से उनके आंसर की रिलीज कर दी गई है। अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है और आखिर कैसे मिलेगा सीओटी वाले पीजी वाले बच्चों को एडमिशन, कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, क्या सारा क्राइटेरिया है, आखिरकार कट ऑफ कितना जाएगा, कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। 16 सितंबर 2022 को एनटीए की तरफ से फाइनली जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है, आपके आंसर की रिलीज कर दी गई। ओके, अब आपको जो है ऑब्जेक्शन के लिए 200 रुपये चार्ज कर रहा है एनटीए, जो कि एक बिग स्कैम है। ओके, जो है आपको टिल 18 सितंबर तक आपको अपने जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो सबमिट करने हैं। उसके बाद यार बात आती है रिजल्ट की कि आखिरकार भैया हमारा रिजल्ट कब रिलीज किया जाएगा और कैसे रिजल्ट रिलीज होगा, क्या सारा सीन होगा, राइट। सो यार आपका जो रिजल्ट है वो टिल 21 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। रिजल्ट के अंदर दो प्रोसेस रहेंगे, कैसे आपका रिजल्ट आएगा और किस प्रकार से आपको जो मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे एटलीस्ट 28+ डोमेन आपके पीजी के अंदर थे, 30+ आसपास डोमेन थे आपके जिनके अंदर जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे। अब जो है एनटीए को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि भैया हर जो एग्जाम है वो अलग था, इंग्लिश का एग्जाम अलग होता है, फिजिक्स का एग्जाम अलग होता है, हर एग्जाम का जो डोमेन है वो कठिन होता है, किसी का जो है सिंपल होता है, ठीक है। बहुत सारे पेपर हमने देखे थे जो आसान थे, बहुत सारे पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन थे, राइट। सो उनमें क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है, तो गाइस आपके जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। जैसे मान लो आपके फिजिक्स में मार्क्स 88 आ रहे हैं, ठीक है, 88 उधर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो इस प्रकार से कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, या तो आपके 25% 40% 60%, ठीक है, उसको जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बच्चे के उसी मार्क्स पे जो परसेंटाइल अलग आ सकती है, आपके जो उसी मार्क्स पे जो परसेंटाइल अलग आ सकती है, ठीक है। आपके जो एक तो रियल परसेंटाइल रियल मार्क्स होंगे, एक होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके, तो आपको जो एडमिशन है वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है सीयूईटी की हर कॉलेज के लिए आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। अभी बहुत सारे कॉलेजों के यूजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मेनी मेनी सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक यू आर मांड, ओके, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओके, तेलंगाना, राइट। सो इनमें जो इस प्रकार से एडमिशन कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि मेरा जो प्रीमियम प्लान चलता है मिशन सीयूईटी एडमिशन 2022, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर उसके अंदर जो है आपकी पूरी हेल्प की जाती है रिगार्डिंग द एडमिशन कि कैसे एडमिशन होगा, क्या सारा सीन है, कंप्लीट A to Z, तो आप उसके अंदर जो है इनरोल कर सकते हो टू गेटिंग द एडमिशन। ओके, अब हर कॉलेज के लिए आपको इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हर कॉलेज की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा रिगार्डिंग द सीयूईटी पीजी। आपका जो रिजल्ट है वो 21 सितंबर तक रिलीज कर दिया गया जाएगा। जैसे ही कोई भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।